और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉप मिस्टेक्स यू शुडंट डू व्हाइल बाइंग अ मोबाइल फोन इन 2021। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट मिस्टेक तो आपकी ये हो गई कि आपने सोच लिया आईफोन 7 या 6s खरीदने का, वही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई। क्योंकि आप देखोगे कि आईफोन 6s हो गया या 7 हो गया, ये सारे 2016 के फोन से, 2015 का है आईफोन 6s, तो इतना पुराना फोन है और तब भी आप लेने का प्लान कर रहे हो क्योंकि वो 30,000 के रेंज में अवेलेबल है और वो सिर्फ एक आईफोन है, तो इसलिए आप लेने का प्लान कर रहे हो, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि iOS में भी अब इतने सारे अपडेट्स आ चुके हैं कि अगर आपने वो आईफोन 6s ले या 7 ले भी लिया, उसके बाद अगर वो अपडेट हो गया तो वो इतना हैंग हो जाएगा तो आपको आईफोन चलाने का वो एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मिलने वाला। फिर अगर आप उसकी स्क्रीन क्वालिटी भी देखो, स्क्रीन क्वालिटी भी इतनी कोई अपटू द मार्क तो है नहीं, और उसमें जो है बजल्स भी बहुत जो है ब्रॉड है। आजकल तो बजल लेस फोन आते हैं और आजकल 6 इंच के फोन आते हैं, और आप 6 इंच के फोन के जमाने में 4.7 इंच के स्क्रीन का फोन लेके क्या करोगे। तो इसलिए बिल्कुल आईफोन 6s या 7 लेने के बारे में तो सोचे ही ना, आईफोन 7 प्लस भी नहीं लेना चाहिए पहले मेरी मानो तो, क्योंकि वो भी आज के जमाने में मतलब कुछ भी नहीं है, बजल्स है और एकदम आउटडेटेड सब। देन सेकेंड मिस्टेक जो होगी वो है बाइंग ए 64GB वेरिएंट। अब आपको पता है कि अगर आपने फ़ोन लिया तो कम से कम आप 2 से 3 साल तो उस फोन को चलाओगे, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे में 64GB वेरिएंट ले लिया और अगर आपको ज़्यादा फोटोज या वीडियो शूट करने का मन होता है या आप करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपका वो फ़ोन 1 साल के अंदर में ही पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास मेमोरी कार्ड है तो फिर भी आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं, बट आपको पता होगा कि आप मेमोरी कार्ड बार बार इंसर्ट और निकालते हैं मोबाइल से, तो मेमोरी कार्ड में जो डेटा होता है वो करप्ट हो जाता है, तो उसमें आपका बड़ा लॉस होगा क्योंकि आपकी जो मनपसंद वीडियोज है और फोटोज है वो खतरे में पड़ सकते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिए और कम से कम 128GB वेरियंट का प्लान कीजिए, ठीक है। 64GB तो आज के ज़माने में एकदम बकवास है, वो तो एकदम लेना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए निकाल रही कंपनीज क्योंकि उनको थोड़ा बजट कम करना है। देन थर्ड हमारे आ गया रैम में आप मिनिमम 4GB रैम तो लीजिए, ठीक है। 6GB मैं बोलूँगा 6GB आपका ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा एज कम्पेयर टू 4GB। अगर आप 4GB रैम का MI फोन लेते हैं तो उसके हैंग होने के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फोन, क्योंकि MI का जो 4GB रैम वेरियंट है उसमें क्या होगा, आपका जो रैम है वो मैं एक्चुअली जो है सिस्टम बहुत गिरता है रैम और एप्स भी गिरते हैं। तो आप अगर MI का जो MI का MIUI आप देखेंगे वो इतना हैवी स्किन है वो बहुत ज़्यादा रैम घेर लेता है, ठीक है। और फिर ऊपर से आप मल्टीटास्किंग करेंगे, आप 10 ऐप्स अलग से खोल देंगे तो वो मोबाइल के हैंग होने के और ऐप क्रैश होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर 6GB वेरिएंट। तो फ्रेंड्स, एक अगली मिस्टेक जो कि काफ़ी लोग करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, इस बाइंग एन एक्सपेंसिव मोबाइल फ्रॉम Amazon और Flipkart। इसमें सबसे बड़ी गलती है कि जो मोबाइल Amazon स्पेशल नहीं है या Flipkart ओरिजिनल से इस टाइप का नहीं है, और वो मोबाइल जो कि शॉप पे अवेलेबल है फिर भी आप Flipkart से मंगवाते हो और बाय चांस आपकी किस्मत ख़राब हुई और वो मोबाइल डिफेक्टेड आ गया, गलत आ गया, तो उसको फिर रिप्लेस कराओ, ठीक है, और बाकी के 2-3 झंझट। तो उस झंझट से बचने के लिए आप उस मोबाइल को वहाँ से बाई मत करो ना, आप शॉप से बाय कर लो। एक्सपेंसिव मोबाइल आप 60,000 का फोन जो मोबाइल है आईफोन बाय कर रहे हैं इससे, ठीक है, आपको 2,000 कम में मिल रहा है तो आपने सोचा कि यार मैं Flipkart से बाय कर लेता हूँ, बट वो बोर्ड स्टोर में भी अवेलेबल है, तो आप स्टोर से बाय कीजिए एज कम्पेयर टू आप Flipkart से बाय करें, क्योंकि Flipkart और बाकी Amazon ने फिर उसमें रिटर्न पॉलिसी तो होती नहीं, रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है, उनकी क्या पॉलिसीज रहती है वो वाकई में उतना आपको रिटर्न कर पाते हैं कि नहीं, वापस से जो पीस आएगा वो आपका जो आपने कलर मंगाया था वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी जो आप झंझट में पड़ सकते हैं और आपका टाइम वगैरह भी वेस्ट होगा कस्टमर केयर वगैरह से बात करने के लिए। तो इससे अच्छा आप दुकान पे जाके फ़ोन लीजिए, अब फोन में कोई दिक्कत आई आपने दुकान से लिया होगा तो आप कल को जाके दुकान वाले भैया को तो पकड़ सकते हैं कि ये क्या देते हैं मुझे, ठीक है, अब आप ये Flipkart में तो कर नहीं सकते, तो इसलिए ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। देन आपका आएगा बाइंग फोन्स फॉर रेंज 9,000 रुपीज़। अब 9,000 या उससे कम रेंज के फ़ोन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा लेने के लिए, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, 2 से 3 GB रैम आएंगे उन फोन की, और बेसिकली फ़ोन जो MI के ही आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो आते हैं MI आता है, और उसके बाद कोई कोई से ओप्पो या वीवो के भी इतने कम रेंज के फ़ोन आते हैं, उसमें रैम ही इतनी कम आएगी कि वो आपका विद इन 6 मंथ्स हैंग होने लग जाएगा, तो आपका एक्सपीरियंस भी खराब हुआ। इससे अच्छा आप थोड़ा ज़्यादा खर्चा कर दीजिए, आप 15,000 खर्चा कर दीजिए और आपको एक अच्छा फ़ोन मिल जाएगा जो कि कम से कम आपका 2 साल तो साथ देगा, ठीक है। और
फिर उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है जो कि आता है बाइंग सैमसंग फोन्स। ठीक है, अब सैमसंग में मैं एस सीरीज या नोट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 89,000 के फ्लैगशिप और फ्लैगशिप फोन सैमसंग तो बेस्ट बनाता ही है। मैं बात कर रहा हूँ लो बजट फोन की, लाइक 20,000 बजट हो गया या 15,000 बजट में अगर आपने सैमसंग फोन ले लिया तो आप बचा सकते हैं, क्योंकि सैमसंग फोन का हैंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पहली बात तो उसमें स्नैपड्रैगन होता नहीं है, उसमें सैमसंग का खुद का एक्सीनियस प्रोसेसर वो लोग लगाते हैं, ऊपर से रैम कम देते हैं, कैमरा भी उतना अच्छा नहीं देते हैं, तो एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा नहीं होगा। हाँ, सबसे मेन बात उसकी जो यूआई की जो स्क्रीन है वन यूआई, वो भी इतना कुछ खास है नहीं, तो आप सैमसंग के ऐसे जाल में मत फंसिए बाय बाइंग 15 और 20 के सैमसंग फ़ोन। ठीक है, इससे अच्छा आप एमआई का फ़ोन लीजिए, एमआई नोट 10 लीजिए या सॉरी रेडमी नोट 10, वो आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देगा और आपको रैम रोम सबसे ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू सैमसंग। फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने क्या गलतियाँ की अगर आपने स्मार्टफोन खरीद लिया है तो 2021 में। इसी के साथ दिस इज अपो साइनिंग ऑफ ओवर एंड आउट।